दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्त्रियों के अलग अलग स्वभाव और उनके प्रकार के बारे में। पद्मिनी। सबसे उत्तम स्वभाव की स्त्रियों में पद्मिनी सबसे आगे रहती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली तथा माता पिता की सेवा करने वाली व अति सुंदर होती हैं। पद्मिनी स्त्रियों के शरीर से कमल के समान सुगंध आती है और ये लंबे कद व कोमल बालों वाली होती हैं। इनकी आवाज मीठी होती है और पहली नजर में ये सभी को आकर्षित कर लेती हैं। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं और ये अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं। इनकी नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं। इनकी गर्दन शंख के समान होती है। इनके मुख पर सदा प्रसन्नता दिखाई देती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को अपने पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को अपने भाई के समान और छोटों को अपने पुत्र के समान समझती हैं। ये देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। पर ये सौभाग्यवती अल्प संतान वाली, पवित्रताओं में श्रेष्ठ, योग्य संतान उत्पन्न करने वाली तथा आश्रितों का पालन करने वाली होती हैं। इन्हें लाल वस्त्र अधिक प्रिय होते हैं तथा इस जाति की लड़कियां बहुत ही कम होती हैं। जिनसे इनका विवाह होता है वह पुरुष बहुत ही भाग्यशाली होता है। दर्शकों, इस संसार में अलग अलग स्वभाव की स्त्रियां होती हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की नींव भी एक स्त्री ही है। स्त्रियों के बारे में हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नारी का दिल समुद्र की तरह विशाल होता है। नारी की महानता, त्याग और संघर्ष के आगे दुनिया झुकती रहती है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि कितने जन्मों के बाद मनुष्य योनि में जन्म मिलता है? और जाने से पहले आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।